नमस्कार किशन भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। किशन भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 19 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार। फिर आज एक नए वीडियो में प्याज के आज के ताजा भाव का अपडेट लेकर किशन भाइयों बात करेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी से। आज कैसे क्या रहे प्याज के बाजार, कितनी गाड़ियों की आवक पहुंची है, ग्राहकी कैसी क्या देखने को मिल रही है और प्याज के भाव की क्या कुछ पोजिशन बनती नजर आ रही है दिल्ली आजादपुर मंडी में। कम्प्लीट अपडेट आप लोगों को उस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और जो भी अपडेट बताएंगे किशन भाइयों वो प्याज की क्वालिटी के हिसाब से और मन के हिसाब से प्याज के अपडेट बताएंगे। तो अपडेट को पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं आज के भाव का अपडेट डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं आज दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कहाँ कहाँ के प्याज क्या क्या भाव आज बिक रहे हैं। किशन भाइयों सबसे पहले तो बात करेंगे ताज़ा फ्रेश अराइवल की। तो अराइवल जैसा कि मंडी में बहुत ही कम पहुंच रही है, कल भी जो है किशन भाइयों 35 गाड़ियों की ताज़ा फ्रेश अराइवल पहुंची थी और आज भी लगभग 35 से 36 गाड़ियों की ताज़ा फ्रेश अराइवल है। तो ऊपर और नीचे और बैलेंस को मिलाकर किशन भाइयों लगभग मंडी में 100 गाड़ियाँ उपस्थित हैं बिक्री के लिए। प्याज के भाव की बात करें किशन भाइयों तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहा। जैसा कि किसान भाइयों अगर जो है निर्यात की डोज और बढ़ा दी जाए तो हो सकता है हमारे प्याज के किसान भाइयों को प्याज के भाव में 1-2 रुपए की तेजी देखने को मिल सके। बहरहाल किसान भाइयों इस समय दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज की जो स्थिति बनी हुई है वो सेम बनी हुई है किसान भाइयों, कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहा है प्याज के भाव का। और जो भी प्याज है आज दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान भाइयों उनका क्या कुछ भाव खुलता नजर आ रहा है सुबह सुबह। किसान भाइयों सबसे पहले तो बात करेंगे राजस्थान के प्याज की। तो राजस्थान के प्याज आज दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान भाइयों जो नीचे में भाव रहा वो 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति मन के हिसाब से और जो ऊपर में भाव रहा किसान भाइयों राजस्थान के प्याज का वो आज आपका 1300 रुपए से लेकर 1350 रुपए प्रति मन के हिसाब से यानी किलो के हिसाब से हम बात करें राजस्थान के प्याज की किसान साथियों तो आज लगभग 32 रुपए से लेकर 33-34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। वहीं किसान भाइयों बात करेंगे महाराष्ट्र के प्याज की। तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में महाराष्ट्र के प्याज का जो पोजीशन रहा किसान भाइयों 1100 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति मन के हिसाब से। और किसान भाइयों इसके साथ साथ बात करेंगे नासिक के प्याज की। तो नासिक के प्याज की पोजीशन सेम बनी हुई है किसान भाइयों, कोई भी उलटफेर देखने को नहीं मिल पा रहा है प्याज के भाव में। और जो नासिक के प्याज की पोजीशन जो दिल्ली आजादपुर मंडी में रही किसान भाइयों जो सुपर क्वालिटी प्याज है वो 1300 रुपए से लेकर 1320 रुपए 1340 रुपए प्रति मन तक जो है आज व्यापारियों ने किसान भाइयों के प्याज की बोली लगाई है। और किसान भाइयों इसके साथ साथ बात करेंगे जो मीडियम साइज का प्याज है नासिक का, उसका भाव आज किसान भाइयों दिल्ली आजादपुर मंडी में 1000 रुपए से लेकर 1150 रुपए प्रति मन के हिसाब से यानी किलो के हिसाब से हम बात करें तो 30 रुपए से लेकर 31 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। किसान भाइयों इसके साथ साथ बात करेंगे पूना के प्याज की। तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में पूना के प्याज का जो पोजीशन रहा किसान भाइयों सुबह सुबह वो आपका 1300 रुपए से लेकर 1350 रुपए 1400 रुपए प्रति मन के हिसाब से। अगर हम एवरेज क्वालिटी की बात करें पूना के प्याज की किसान साथियों तो उसका भाव आज 1100 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति मन के हिसाब से दिल्ली आजादपुर मंडी में आज प्याज का भाव रहा किसान भाइयों। इसके साथ साथ ग्राहकी की बात करें तो किसान भाइयों तो ग्राहकी आज कुछ ठीक ठाक देखने को मिली है, कल से जो है बढ़िया देखने को मिली आज ग्राहकी। टोटल प्याज के भाव की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज किसान भाइयों जो बाजार सबसे ज़्यादातर रहा किसान भाइयों वो आपका 1200 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति मन के हिसाब से सबसे ज़्यादातर जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में आज प्याज की बिक्री हुई है। तो किसान भाइयों ये थे दिल्ली आजादपुर मंडी से प्याज के आज के ताज़ा भाव का अपडेट जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिया। वीडियो और जानकारी हमारी पसंद, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।